ले लो। नहीं नहीं सबके साथ में सब आएंगे, सब आएंगे सुमित राव। नहीं नहीं आपके ओके सर फोटो फोटो राम नो बाबा कम 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 सर सर फोटो राइट सर ऑन योर लेफ्ट ऑन योर लेफ्ट सर आप यहां सर सेंटर में आ कम चलिए ओके कम फॉरवर्ड जस्ट वन स्टेप फॉरवर्ड चलिए आई वन स्टेप फॉरवर्ड हां बोलिए मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर द मेमोरेबल एंड हिस्टोरिक फिल्म व्हिच यू गेव अस लाइक 20 इयर्स बैक थैंक यू व्हाट आर द मेमोरीज एंड हाउ यू चेरिश इट You said that thank you for the film. You should say thank you to the army that fought the war. Because of them, we made the film. First, thank you to them and then to me. And my experience was great because I had the army supporting me and I worked with the army throughout the film with the Air Force. So the experiences working with the armed forces is always great because they make you feel how small you are because they are so big. Yeah, yeah. Because of them and because of their boots on the ground, we are a free nation. सर ये एक ऐसी फिल्म थी जो हमेशा देशभक्ति का जज्बा जगाती है. जब फिल्म बना रहे थे तब आपने तब इतना एहसास था कि ये फिल्म कितना दर्शकों को भाएगी या इतना मुकाम हासिल करेगी. मैंने कोई फिल्म ऐसी नहीं बनाई है जो मुझे नहीं भाती है. तो मैंने सब्जेक्ट वही बनाया है जो मेरे दिल को छूता है तो मैंने बनाई. I would just like to say that I joined in at the tail end of border. They have far richer and far more varied memories of you that you're talking about. But I think I can speak on all our behalf that JP has given us a film that's going to be mentioned in all our obituaries. And the fact that we are celebrating this 20 years down the line, it's a time where you don't even celebrate 20 days anymore. And 20 years later, border still kind of enriches us all and sends us home, having added something to our lives and to our brands. So thank you, JP, yet again. So, I mean, it's a delightful moment and we're just delighted to be part of it. Anuji, film ka music hamesha yaad rahega, sandesh aate.
कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन संदेश ही आते हैं, अभी भी बचता है तो लगता है कल गाना रिकॉर्ड हुआ है। और जहाँ तक सवाल है फिल्म का, मैं शुक्रगुजार हूँ चेबी साहब का जिन्होंने मुझे याद किया, और जावेद अख्तर साहब जो फिलहाल अभी तक आए नहीं हैं, जिन्होंने गाने लिखे हमारे सिंगर्स, और आई थिंक जैकी, सनी, अन्ना, पूजा, पुनीत जी, आई मीन एवरीवन कंट्रीब्यूटेड टू द फिल्म। जब मेरे गाने पिक्चराइज मैंने देखे थे तो आंखों में आंसू आ गए थे, एंड आई रिमेंबर जे पी साहब टेलिंग मी दिस कि द वे यू हैव मेड दिस सॉन्ग आई टेक इट नॉचेस हायर, एंड आई थिंक ही टर्न द फिल्म ऑन इट्स हेड। बल्कि संदेश से आते जो पिक्चराइज किया गाना वो यादगार गाना है, खास करके तो चलूँ ऑल्सो, मैं अन्ना से बात कर रहा था, अभी अन्ना मुझे कह रहे थे कि वो गाना है कि तो चलूँ गाना मेरी लाइफ का फेवरेट गाना है, ये अभी खुद कहा है उन्होंने, तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। एंड जे पी साहब के साथ मैंने बॉर्डर ही नहीं, रेफ्यूजी भी किया, एल ओ सी कारगिल भी किया, उमराव जान भी किया, आई थिंक समवेयर देयर इज अ सोल कनेक्ट, एंड आई एम प्रीटी ब्लेस्ड टू बी विद जे पी साहब, एंड एज जे पी साहब सेड अबाउट द इंडियन आर्मी, द इंडियन नेवी एंड द एयरफोर्स, दे कीप द बूट्स टू द ग्राउंड, एंड दैट्स व्हाई वी आर अ फ्री नेशन, व्हाट अ लाइन। आई थिंक उन्हीं का जज्बा था दैट प्रोवोक्ड मी एंड मोटिवेटेड मी टू मेक द म्यूजिक ऑफ बॉर्डर। सुनने तो दे, क्या बोल रहा, सुनने तो दे, लेडी बात करिए, आगे आ गया। एक मेरे लिए एक रियल लाइफ हीरो को एक रियल लाइफ हीरो का किरदार निभाने का आई थिंक मौका था, और आई थिंक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा हमेशा बॉर्डर, क्योंकि जो इज्जत आज भी यू नो खास मुझे और पूरे टीम को मिलती है, तो आई थिंक शायद इसी फिल्म की वजह से याद रखा जाता है। लोग यूनिफॉर्म में जब रहते हैं तो उन्हें लगता है कि हम उनमें से एक हैं। मुझे कारगिल जाने का भी मौका मिला था जब वॉर ऑन था, एंड उनके जो रिएक्शंस मैंने देखे इन स्पाइट ऑफ बीइंग वाउंडेड, लिम्स के बगैर गोलियां लगी उनको, लेकिन हमें देखते उन्हें उनको ऐसे लग रहा था कि हम भी उनमें से एक है। तो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट रिस्पेक्ट दैट वन कैन एवर रिसीव, एंड आई थिंक एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मुझे भी काफ़ी फिल्में जे पी जी के साथ करने का मौका मिला, लेकिन ये एक ऐसा मौका था जो अगर दोबारा रिपीट हो तो उससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। सबको प्रणाम, जय हिंद सब, ऑल माय जान्स, ऑल माय डार्लिंग्स, आप सब पंछी नदिया पवन के झोंके, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग कि बड़ो किसी को कोई सरहद, कोई भी निकलता है ना यहाँ से वहाँ, तो वो लाइन जो बॉस और जो आपने लिखा और जो आपने कराया बॉस, आई थिंक इट्स समथिंग दैट वी शुड टेक फॉरवर्ड, वी शुड टेक द मैसेज ऑफ पीस एज मच एज पॉसिबल, देर शुड बी नो बॉर्डर्स, इट्स डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट इट बट देर शुड बी कॉम्पैटिबिलिटी, देर शुड बी लव भिड़ू, तो बाकी कुछ नहीं है। बॉस के लिए आया है, 20 साल हो गए जवानों को, एक जवान के लिए एक था, फिर उड़ गई नींद ये सोच कर कि सरहद पर बहा खून मेरी नींद के लिए था, फिर उड़ गई नींद ये सोच कर के सरहद पर बहा खून मेरी नींद के लिए था। तो ब्रो इतना ही काफ़ी अपने लोगों के लिए, हम लोग हीरो है, हम लोग अपने अलग किस्म के हीरो है, असली हीरो है, उनको हमेशा प्रणाम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। पुलिस जी आइए ना। जो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इट वॉज एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ बॉर्डर, इट्स एन आइकॉनिक फिल्म, इट्स अ लैंडमार्क, इट्स द बेस्ट एवर शॉट इंडियन वॉर फिल्म, इससे बेहतर फिल्म मैंने आज तक हिंदुस्तानी वॉर फिल्म नहीं देखी, और जो जज्बा था हम सारे कैरेक्टर किरदारों का बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही मज़ा आया, और जे पी साहब के हम शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें मौका दिया वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स प्ले करने का। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि मर्द डायरेक्टर है वो मर्द फिल्म ही बनाता है। जय हिंद। और वो नहीं, पल्टन लॉन्च हो गई है, कल हमने अनाउंस कर दी, पर उसके बारे में ये कि क्लासिफाइड है, सर कुछ तो थोड़ा सा क्लासिफाइड
That's right. Border का कोई और भाग बनाना कभी नहीं। War film में बनाऊंगा मैं। Pelton war film में। कौन होगा कुछ और? Classified. You don't have to wait for 20 years to declassify. आप जाओ एक बार वो गाने की रिदम दे सकते हैं हम? Oh, 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 oh. संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। जय हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you. But I think we can sum it up by saying that this is one border we never want erased. Wow. Wow. Thank you. Some of us also want to speak to you more. About border? Everything else. Everything else? Not the time. चल बाबा, जी सर जी जी सर, कहा कि इतना क्रेडिट आपको भी उतना ही जाता है जितना ये फिल्म के लिए उनको। किसी भी कामयाब फिल्म का क्रेडिट जो लोग होते हैं उसमें काम सबको ही जाता है, तो कोई हैरत की बात नहीं। ये फिल्म आपके लिए कितनी स्पेशल या कितनी इम्पोर्टेंट रही है? देखिए, स्पेशल इसलिए है कि ये जब ये फिल्म बनी थी तो अपनी तरह की पहली फिल्म थी। उसके बाद ऐसी फिल्में बनाने की कई लोगों ने कोशिश की, बनाया, लेकिन ये अपने अंदर नई थी। और उसके अलावा मैं जिस डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था, जेपी दत्ता साहब जो यहाँ मौजूद हैं, उनका ज़रा गाने के सिलसिले में ख्याल और जो कॉन्सेप्ट है वो आमतौर से जो होता है उससे मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। तो यहाँ एक मौका होता है और चैलेंज भी होता है कि भाई आप क्या लिख सकते हैं और क्या लिखना चाहते हैं। तो अक्सर तो ऐसा होता है कि कोशिश हम करते हैं कि भाई ज़रा ज़्यादा सिंपली काम करो वरना कहीं परेशान ना हो जाए सामने वाले। यहाँ ऐसा होता है कि हमें चैलेंज होता है कि आप जो कर सकते हैं करके दिखाइए, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मुश्किल भी होता है और खुशी की बात भी होता है। देखिए सर, हर गाना चैलेंजिंग है और उसकी वजह यह है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम अगर आप मीडियोकर करना चाहते हैं तो कोई भी काम चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन अगर आप उसे अच्छी तरह करना चाहते हैं तो हर काम चैलेंजिंग होता है, हर काम। नमस्कार, नमस्कार। आप कुछ कहना चाहेंगे आज के अवसर पर? जी, आज 20वीं सालगिरह है बॉर्डर की और मुझे लगता है आने वाले 200 साल तक जो है वो बॉर्डर इतनी ही फ्रेश और इतनी ही ताज़ा रहेगी। और जहाँ तक संगीत और गीत का सवाल है तो मुझे लगता है कि ये तो इमॉर्टल काम हो गया है। ऐसा काम जो है वो इतिहास में शायद ही सुनने को मिलता है। इंस्पिरेशन की उनके डायलॉग्स लिखना या जो लिरिक्स लिखना? मेरा इस पिक्चर में जो इंस्पिरेशन, वो खड़े हुए हैं सामने ये थे और मैं तो लिख रहा था, लेकिन उसके पीछे यही थे। सर,
संदेश आते हैं, ये गाना कैसे उपज हुआ इसका? इसकी भी बड़ी कहानी है साहब। हुआ क्या था, किस्मत हमारी अच्छी थी। बहुत ज़माने पहले एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब के साथ हमारी सीटिंग हुई थी, जहाँ अनु मलिक साहब ने बहुत सारी ट्यून सुनाई थी। खैर वो हो गया, हम लोग की किस्मत अच्छी थी तो हमने उनके साथ काम नहीं किया। फिर वो ज़माना गुजर गया और फिर एक दिन हम बैठे थे कि जब बात हो रही थी कि इस सिचुएशन में ये गाना चाहिए, तो मुझे अचानक याद आया कि इन्होंने वो ट्यून सुनाई थी, हम लोग सनी साउंड में थे, मुझे अच्छी तरह याद। तो मैंने कहा आप ये वो जो ट्यून थी वो आप सुनाएं। तो जे पी दत्ता साहब ने सुनी और उन्हें पसंद आई, उसके बाद फिर उस पर हमने गाना लिखा। अच्छा मुझे क्यों वो ट्यून क्यों, इनकी तो बहुत सारी ट्यून बहुत अच्छी होती है, इसलिए याद आई थी कि जो गाने की और सिचुएशन की डिमांड में थी उसमें बहुत सारी बातें लिखनी थी, तो फिर ट्यून भी ऐसी होनी चाहिए थी कि जहाँ पे जगह हो लिखने की। तो इस ट्यून में थी तो चलती रहती है, छोटे छोटे लाइन्स हैं लेकिन बहुत हैं, तो उसमें फिर स्ट्रोक्स में आप लिख सकते हैं। तो ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखा, लेकिन जब लिख लिया तीन अंतरे लंबे लंबे, तो मुझे ख्याल हुआ कि वाइंड अप नहीं हुआ गाने का, तो मुझे याद है कि मैंने अपनी तरफ से फ्री वर्स में लिख लिया, ए गुजरने वाली हवा बता, ये जो है ट्यून में नहीं था। तो हम गए साहब सिटिंग हुई तो हमने कहा ये लिखने के अलावा मैंने तो कुछ और भी लिख लिया, और वो ऐसा है कि फ्री वर्स में है तो परसों तो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगी, अभी इनको तो कंपोज करना पड़ेगा और फ्री वर्स को कंपोज करना आसान काम नहीं। तो हम लोग बात ही कर रहे थे क्या करें क्या ना करें, बाय दैट टाइम अनु मलिक साहब उसे कंपोज कर चुके थे। तो यह है उसकी कहानी। मैं इतना ऐड करना चाहता हूँ कि वो वर्ड्स ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, खास करके ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, वहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ। इट इवोक्ड अ पैशन इन माय हार्ट, आई गॉट इमोशनल, और उस वक्त मुझे ये लफ्ज़ इतने अच्छे लगे और वहाँ से ट्यून बहती गई, और सडनली जावेद साहब की तरफ देखा मैंने और जेबी साहब की तरफ देखा, दे रिएक्टेड एंड सेड गाना तो हमारे हाथ में आ गया, एंड आई थिंक इट वॉज कम्पोज विद इन 7 to 10 minutes दैट आइडिया। और फिर रूप जी थे और सोनू जी थे। ये गाना जो है ये विजुअली अगर आप इसको सुनते हैं तो आपको विजुअल सामने नज़र आते हैं, तो किसी डायरेक्टर के लिए बहुत आसान हो जाता है जब लिरिक्स इतने अच्छे हों उसको पिक्चराइज करने के लिए। तो आधा काम से ज़्यादा 75% तो जावेद साहब ने मेरा काम कर दिया था, तो मेरे को शॉट लेने में कुछ दिक्कत ही नहीं थी क्योंकि खुद ही वर्ड्स मुझे विजुअल्स दिखा रहे थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे तालमेल होता है, कभी कभी बैठ जाता है तो अच्छा लगता है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो तुम क्या, ये आप ही की उपज। ये मेरी उपज नहीं है, सरशार सैलानी साहब एक शायर थे और डायलॉग राइटर भी थे, उन्होंने जीवन प्रकाश जी की कई फिल्मों में डायलॉग भी लिखे हैं, बहुत उम्दा आदमी थे। ये उनका शेर है, चमन में इख्तलात यानी कॉम्बिनेशन, इख्तलाते रंगे बू से रंगो बू से बात बनती है, खुशबू और रंग को मिल के बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या, क्या तुम बात। वैसे काश मैंने लिखा होता, बहुत अच्छा शेर। वो कह रहे थे ऐ जाते हुए लम्हों तो चलूं, वो मेरी तो वो मेरी लाइफ का मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बेस्ट सॉन्ग है। और पहला गाना रिकॉर्ड होने के बाद फिर जेपी साहब ने मुझे कहा कि रूप एक और गाना बना है, और इस गाने में देखना कि क्या जो रेंज है गाने की। तो मैं थोड़ा सा नर्वस था शुरू शुरू में, और जब गाने के लिए गए, जब गाना सुना, और जितना खूबसूरत मुखड़ा उतना उससे भी ज़्यादा खूबसूरत अंतरा अनु जी ने कंपोज किया है, और तो चलूँ जो गाना है वो मैंने उससे गज़ल सिंगर से प्लेबैक सिंगर की जो बॉर्डर थी वो उस गाने से मैंने क्रॉस की, बॉर्डर पे बॉर्डर नहीं तो लोग मुझे गज़ल सिंगर ही समझते थे और मुझे काम नहीं मिलता था उससे पहले, लेकिन तो चलूँ और संदेश से आते हैं के बाद इंडस्ट्री ने मुझे अपनाया एज अ प्लेबैक सिंगर। तो मैं शुक्रगुजार हूँ जेपी साहब का, अनु जी का, जावेद साहब का कि ये खूबसूरत गाना सरस्वती है इनके गले में सरस्वती। नहीं वही बेताब है कि वो मुखड़ा अंतरा एकदम ही गला जो है, मैं तो 15 दिन बाद आया हूँ बाहर से। मैं भी चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ जो एक बात दिल में है।
चलिए ये गाना फिर सुन लीजिएगा। ऐ जाते हुए लम्हो जरा ठहरो मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूँ तो चलूँ। एक्चुअली अनुज जी को गाना था तो चलूँ तो चलूँ तो चलूँ। अच्छा मुझे कैमरे ऑन नहीं थे। I'm still learning. जी 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 इट्स माई फेवरेट फिल्म एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म ऑफ माई डैड्स। मैं एक्चुअली 3 साल की थी जब बॉर्डर का शूट हो रहा था एंड इट वॉज द फर्स्ट सेट आई एवर बिन ऑन सो इट फील्स रियली स्पेशल टू बी हियर टुडे एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर जे पी सर एंड विंदे आंटी एंड एवरीबडी। ही स्टार्टिंग हिज न्यू फिल्म पल्टन एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू स्टार्ट एंड सेलिब्रेट। आई एम नॉट इन इट। नो आई एम नॉट इन इट। आहान्स आल्सो नॉट इन इट। अगर आपको कहा जाता कि इसमें से किसी कोई एक्ट्रेस का रोल करना है तो वो आप कौन सा रोल करती हैं? आई थिंक पूजा भट्ट। मेमोरी जो आप बता जी थी, जी सेट की बता सकती क्या एनवायरनमेंट था क्या 3 साल मैं 3 साल की थी तो मुझे याद नहीं है लेकिन मुझे आई हैव अ पिक्चर एक्चुअली ऑफ मी हॉर्स राइडिंग एंड माय मॉम वाज एक्चुअली प्रेग्नेंट विद माय ब्रदर आहान सो आई स्पेंट क्वालिटी टाइम विद माय फादर दैट टाइम एंड आई वाज देयर ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ तो चलू अपेरेंटली एंड सो या दैट इज माई ओनली मेमोरी आई हैव ऑफ द फिल्म। जी I love the song. It's my favorite song, along with Sandeep Se Aate. Ji Mubaraka. Trailer launch hai 14 tarikh ko, so I'm super excited about that. I'm really happy to be a part of that film. I had an amazing time shooting it, and yeah, so I'm very excited. Aate jab bhi ji, ji, bilkul nahi. Iliana is amazing. She's such an amazing person. I think. Yeah, she's just so much fun. She's such a encouraging co-star also. So yeah, there was no catfights. Please, wo zamana chala gaya. Arjun ke bare mein kya kehna chahenge? Kaisa experience? Bahut acha. He's an amazing actor. He's very very good at comedy. Even Anil sir. So I feel very blessed that I got to work with Anish sir, and Anil sir, and Arjun and Iliana. I got to learn a lot. And comedy is a different genre. So yeah. दो अर्जुन कपूर ही इज अ ग्रेट एक्टर या यू सी अ लॉट ऑफ आई डोंट रूइन द फिल्म लेकिन हाँ बहुत ही अच्छा था। यू सॉ द हाफ गर्लफ्रेंड? आई डिड सी हाफ गर्लफ्रेंड। आई रियली लाइक्ड हाफ गर्लफ्रेंड। आई रियली एंजॉयड द फिल्म। या डिफिकल्ट था कि पहली जो मूवी थी वो रोमांटिक जी थी, एक कॉमेडी जॉनर और काफी मुश्किल होता है कॉमेडी का। मुश्किल तो था। आई थिंक यू हैव टू गेट योर टाइमिंग राइट, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बट अनीस सर इज़ देयर, ही इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर, ऑलवेज देयर स्टैंडिंग बिहाइंड द एक्टर एंड जस्ट या सो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। आई वर्कड विथ वेटरन्स सो फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक आई गॉट टू सी एंड एक्सपीरियंस पीपल एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई गॉट टू लर्न फ्रॉम दैट सो दैट वॉज रियली नाइस। इसके अलावा सून 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 थैंक यू। मैं लेके आता हूँ। Thank you.
जी कैसा है? अरे गर्लफ्रेंड से फेसबुक पे लगा हुआ है, देखा मैंने अभी, देखा एकदम। तो क्या कर रहे हैं? हाँ मेरे भाई कैसा है? सुपर, गुड इवनिंग ब्रदर। लग रहे हैं आप एक पूरे आर्मी में। मैं उसके बिना एंट्री नहीं दे रहे थे यार, मेरे को मैंने टी शर्ट बदली फटाफट। अगर फिल्म बने तो मेरे ख्याल आपको तो पक्का है इस फिल्म। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप बाकी थोड़ी सी सिफारिश आपकी हो जाएगी तो फिर सब सेट हो जाएगा यार। जी बिल्कुल सामने, आपका आपकी तरफ ऑटोमेटिक ध्यान चले जाता है ना। हाँ जी चलो कोशिश करता हूँ मैं। I remember as an actor I just started my journey. I was in Delhi, finished my engineering, and I still remember that, you know, film got released and we wanted to see the film, and all of us went and saw in Delhi, and those memories are so special that film, I think it's one of the most special films I would say in Indian cinema. आई डोंट नो, जितने भी लोगों ने रोल किया, जितने भी एक्टर्स ने किया, सब ने बहुत बखूबी निभाया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी का रोल बेहतर कर पाता, आई थिंक दे हैव डन फिनोमिनल जॉब। लेकिन कभी अगर दोबारा यू नो ऐसी फिल्म बने तो डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर एनी एक्टर टू बी पार्ट ऑफ सच अ यू नो ग्रेट फिल्म। नहीं मेरे को तो अभी मैं तो अभी इस जर्नी का हिस्सा होने आया हूँ, बट आई एम श्योर यू नो जेबी से जो भी फिल्म बनाएंगे कमाल की ही बनाएंगे। यू नो एज एक्टर्स एज ऑडियंस हम हमेशा देखते हैं उनकी फिल्म्स का इंतज़ार करते हैं, और आई थिंक इट मेक ए ग्रेट फिल्म एंड मेक ऑल ऑफ अस प्राउड। मैं जो पूछ रहा था कि जी कौन सा कैरेक्टर सबको आपको ऐसा लगा कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे बेहतर कर पाए जी, लेकिन मतलब कौन सा आपको अच्छा लगता है कि आप? आई थिंक ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें सारे रोल्स, अगर आप सनी यू नो पाजी के रोल की बात करें, बहुत कमाल का था। अक्षय का, अक्षय खन्ना का रोल, जैकी दादा का रोल, पुनीत जी का रोल, कुल जी का, कुलभूषण खरबंदा जी का रोल, आई थिंक ऑल द रोल्स आर वेरी स्पेशल, वेरी वेरी वेल रिटन, वेरी नाइसली जस्टिफाइड। सुनील शेट्टी, सुनील अन्ना, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल फिल्म्स ऑफ हिज करियर। सो दैट्स अ यूएसपी ऑफ अ ग्रेट डायरेक्टर, जो हर एक एक्टर को जस्टिफाई करते हैं, एंड यू नो दे गेट द बेस्ट ऑफ रोल्स। आजकल एक दो रोल्स भी अगर फिल्म में, उनको जस्टिफाई करना मुश्किल होता है, लेकिन जब इतनी बड़ी एंसेंबल कास्ट होती है और सबके रोल्स कमाल के होते हैं, एंड यू मेक सच अ ग्रेट फिल्म, आई थिंक दैट्स यू नो द जीनियस डायरेक्टेड, ओनली जेबी दत्ता कैन डू इट। फेवरेट सॉन्ग? आई थिंक संदेश से आते हैं सबका फेवरेट सॉन्ग है, मेरा भी वही था जी। एक चीज़ और, आप एक बायोपिक बना रहे हैं, उसके बारे में बताएं। या ऑलमोस्ट टू डेज बैक वी आर इन हैदराबाद, सिंधु के साथ ही थे हम लोग, चल रही है, फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी हो गया है, अनदर टू ड्राफ्ट टू गो, आई थिंक इन ए मंथ और सो वील बी एबल टू लॉक द स्क्रिप्ट, और फिर होपफुली सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी। कास्टिंग जी, देखिए बातचीत तो सबसे हो रही है तैयार, बट यू नो जब तक कहानी नहीं बनती तब तक एक्टर्स भी एक्साइट नहीं होते, तो किसी को भी बोलना, किसी को ढंग से अप्रोच करना भी बड़ा मुश्किल काम है। और आई थिंक कहानी सबसे बड़ी हीरो होती है, जब कहानी हमारे हाथ में आएगी तो देन with confidence we can come forward and say that you know this is something that we want to make. जैसे मैंने बोला कि अभी कहानी देखिए कोशिश बोलते हैं ना, विशेज बहुत सारी रहती हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कहानी का वो USP होना चाहिए। यू नो मेरे सोचने से एक्टर्स काम नहीं करेंगे, आई थिंक वो कहानी है जो एक्टर्स को खुद खींच के लेके आएगी, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखिए मैंने बोला कि ना बड़ी कमाल के एक्टर हैं वो, तो जब ऐसे प्रोड्यूसर आप किसी के पास भी एक्टर के पास जाते हैं तो एक बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप उन्हें किस तरह का रोल करते हैं। मैंने करीबन दो राइटर्स चेंज हो चुके हैं उसको लिखते हुए, क्योंकि मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, बट अभी जो टीम बैठी है बहुत कमाल की टीम है जिन्होंने लिखा है, और एटलीस्ट 8-10 मीटिंग्स हो चुकी हैं सिंधु उनके पेरेंट्स के साथ, उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं लोग, सो यू गेटिंग द बेस्ट थिंग्स आउट ऑफ देम, एंड होपफुली जो स्क्रिप्ट आएगा सो कन्विंसिंग होना चाहिए कि हम एक्टर्स को जाके कन्विंस कर पाए। श्रद्धा कपूर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है दो फिल्में लगभग एक तरह की, एक लेवल की, एक जॉनर की। आई जस्ट वांट टू विश श्रद्धा ऑल द बेस्ट, यू नो आई थिंक, आई एम श्योर यू नो शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, शी विल डू अ ग्रेट जॉब, बट लाइक आई सेड यू नो कॉमन चीज बैडमिंटन है, लेकिन जिंदगी अलग है, कहानी अलग है उनकी, तो ये एक कहानी रहेगी जो लोगों को इंस्पायर करेगी। आई थिंक हर एक छोटे शहरों में, बड़े शहरों में रहने वाली लड़कियाँ जो हैं,
वो इंस्पायर होंगी कि क्या हमें घर से निकलना है एंड वी हैव टू मेक इंडिया प्राउड. सो आई थिंक दैट्स अ जर्नी ऑफ एनी एक्टर एनी एथलीट दैट वी वांट टू पोर्ट्रे ऑन द यू नो ऑन द स्क्रीन. थैंक यू सो मच. आपकी नियत है ना बहुत अच्छी लगती है ना, योर थॉट प्रोसेस जी, यही आपकी गुडविल बना रही है. नहीं थैंक यू सो मच, बाकी दुआएं साथ में रखना आप सर. थैंक यू माजी. थैंक यू जी. हाँ जी सुमित जी की जय हो. चल सुमित सेठ यार, आपके पास में जितनी सबकी सैलरी होती है ना उसका हिस्सा देते हो नहीं देते हो भाई को? हमारे सवाल तो यही पूछता हमने वाले, मौका नहीं देता ले तुम्हें बता कर दे. इधर आए ओके. किस समय की यादें जुड़ी हैं? दरअसल अगर मैं शायर होता ना तो मैं इसको कूजे में समंदर को बंद करने की कोशिश करता है. जैसे कहते हैं ना कि एक लाइन में आप जो है अपनी फीलिंग्स को समझाइए, लेकिन कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि जो आप उसको एक लाइन में समझा नहीं सकते. कुछ लाइन कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिसको आप शब्दों में डाल भी नहीं सकते. तो और ये भी एक फैक्ट है कि फिल्में बन जाया करती हैं और प्यार हो जाया करता है, फिल्में बनाई नहीं जाती. तो दिस फिल्म इज़ बेसिकली व्हाट आई फील इज़ कि ये फिल्म नहीं थी कुछ. ये जेबी साहब की एक आत्मा की आवाज़ थी, तो वो ऑडियंस ने उसको इमीडिएटली कैच कर लिया, ऑडियंस को बिल्कुल शूट कर गई आत्मा. तो वो आत्मा तो आत्मा जब बात होती है तो वो फिर एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है, दैट इज़ बॉर्डर. मेरी जो फीलिंग्स हैं इस फिल्म के साथ वो ऐसा है कि जैसे एक भगवान राम ने जो सेतु बनाया था ना, सेतु वहाँ जाने के लिए श्रीलंका, तो उस सेतु में एक ऐसा मैंने सुना है, मैं आई एम नॉट वेरी मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ और मैंने इतनी ज़्यादा होली बुक्स भी नहीं पढ़ी हुई. मैं सिर्फ इतना ही सुना हुआ कि श्री राम जी ने जब वो सेतु बनाया था उसमें बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था. उसमें मेजर जो है वो वानर सेना थी, लेकिन उसमें जो एक कंट्रीब्यूशन थी वो एक गिलहरी की थी, गिलहरी ए स्क्विरल की. तो वहाँ से ऐसे मानते हैं लोग कि उसने कहा कि भाई मैंने भी थोड़ा सा रेती इसमें डाली थी कंट्रीब्यूट करने को, तो देन ही जस्ट ब्लेस्ड दैट गिलहरी ऐसे हाथ. तो लोग कहते हैं इसीलिए जो इंडियन गिलहरी हैं उस पर वो चार उंगलियों के निशान हैं, ऐसे लोग कहते हैं, ऐसे मानता ऐसे लोग मानते हैं. तो वो कंट्रीब्यूशन मुझे ऐसा लगता है कि इस सिनेरियो में भगवान राम जे पी साहब हैं और गिलहरी जो है वो सुदेश बेरी है. तो व्हाट आई वाज फीलिंग कि
आई एम अ वेरी इंट्यूटिव एक्टर. मैं कभी मैं यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने नहीं आया हूँ. मैं यहाँ पर कुछ लेने भी नहीं आया हूँ. जैसे मैं इस धरती पे कुछ मांगने नहीं आया हूँ आपसे कि भाई आप मुझे ये दीजिए. जैसे अगर आप बोलो कि लॉर्ड साईं बाबा को अगर आप नीचे खड़ा कर दें तो उसको एंट्री भी नहीं मिलेगी सर फाइव स्टार होटल में. आप समझ रहे हैं? तो मेरी कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ कि गिलहरी की जैसे है कि जैसे जेबी साहब इस सिनेरियो में लॉर्ड रामा है और सुदेश बेरी जो है वो गिलहरी है. दैट्स इट. तो ये मेरी फीलिंग है बॉर्डर जो मेरे को ज़िंदगी में मिली है. दैट्स इट. देर वॉज एनी विलन? अभी एक हिंदी फिल्म 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ क्रॉस कर गई. नेम द फिल्म जो 1,000 करोड़ क्रॉस कर गई. नहीं नहीं, हिंदी फिल्म, मैंने हिंदी फिल्म कहा. उसमें विलन था कोई? था विलन था कोई? फिर तो कोई एंटेगनिस्ट नहीं होता, कोई प्रोटेगनिस्ट नहीं होता. इसमें सिर्फ एक फीलिंग होती है. वो फीलिंग थी, उसमें एंटेगनिस्ट था पाकिस्तान और प्रोटैगनिस्ट था हिंदुस्तान. दैट्स इट. बाकी तो सब यू नो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोजेक्ट थे. और बाकी सब जो थे वो एक जुनूनी थे. यू नो एक देश नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम मेहनत कश जब जगबालों से अपना हिस्सा मांगेंगे. दैट फीलिंग वॉज देयर. दैट्स इट. कि पूरा देश अगर बंदूक लेके खड़ा हो जाए तो फिर पाकिस्तान क्या, दुनिया में किसी की कोई हिम्मत ही नहीं कि वो हमारे सामने आके कुछ वो आंख दिखा सके. तो इट वाज जस्ट ए फीलिंग. देयर वाज नो प्रोटैगनिस्ट, देयर वर नो एंटैगनिस्ट. अगर आप हीरो और विलन की परिभाषा की बात कर रहे हैं तो हीरो वाज जेपी साहब. दैट्स इट. रियल हीरो वाज जेपी साहब. उन्होंने कंसीव किया ना. उनका माँ भी वही थे, पिता भी वही थे, और एंटैगनिस्ट तो सामने पाकिस्तान था. दैट्स इट. वही फीलिंग थी. दैट्स इट. जय हिंद. थैंक यू वेरी मच. आई लव यू ऑल. प्लीज थिंक ऑलवेज अबाउट द कंट्री. देश खुश, सुदेश खुश. आप खुश, देश खुश, योर फैमिली इज हैप्पी. सो फर्स्ट थिंक अबाउट द कंट्री, नॉट अबाउट योर फैमिली. ओके, लोग बोलते हैं पहले फैमिली का सोचो फिर कंट्री का सोचो. ना, पहले कंट्री का सोचो. जो ये आपको इस यहाँ से ये कंट्रीब्यूशन जो मिली है बॉर्डर की, यहाँ से पता चलता है कि फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट कम्स कंट्री. इफ पीपल से फर्स्ट कम फैमिली तो मैं बोलूँगा सॉरी. मेरी फीलिंग ये है कि फर्स्ट कम्स कंट्री. देश खुश तो हम सब खुश. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. गॉड ब्लेस. ओके. किसको नहीं होगी मेमोरीज बॉर्डर के लिए, बिकॉज इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स आई हैव सीन एंड वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स, बेस्ट पेट्रियोटिक फिल्म्स आई हैव सीन. टुडे आल्सो इफ द फिल्म इज बीइंग शोन ऑन एनी चैनल, वन कांट टेक वन्स आईज ऑफ. बहुत ही खूबसूरत फिल्म. इट वाज पेट्रियोटिक फिल्म, बट उसमें जो थोड़े इमोशनल मोमेंट्स भी जो थे, रोमांटिक मोमेंट्स भी जो थे, वो भी बहुत खूबसूरती से दिखाए थे. सो इट्स अ क्लासिक. It's a historical film. Your favorite song? My favorite song from Border is "Ae Jaate Hue Lamho." I think that's the best song of the film. Beautiful. Do you think more films, aur bhi film banni chahiye aise? बिल्कुल बननी चाहिए, लेकिन इतनी अच्छी बननी चाहिए. सिर्फ वो सब्जेक्ट को लेके बनाना is not enough, but the way it's made is very important, and that is what J.P. Datta ji has. Done. The way he's made the film is hats off to him. Thank you so much. Welcome. Okay.
किया आपके ऐप में? Wow, this is really bright. Come, please. Come, come, come. I am because of you, so come. Come. Yes. Hi, Abhishek. Hi. Bordering for cult film, the blockbuster. You have seen it. JP sir ne kya aapko film mein chance diya tha refugee mein, to kya kehna chahenge is mauke par? Main sabse pehle JP saab aur JP films ko badhai dena chahunga. बॉर्डर एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी. मुझे याद है आज भी कि फर्स्ट डे लास्ट शो मेट्रो में लास्ट रो में बैठ के मैंने ये फिल्म देखी थी. और वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल थिंग्स वाज व्हेन संदेश आते हैं स्टार्टेड द इंटायर थिएटर स्टूड अप एंड स्टार्टेड सिंगिंग. और वहाँ से हमारी शुरुआत थी जेपी फिल्म्स के साथ, क्योंकि उस बॉर्डर की कुछ महीने बाद जेपी साहब घर आए एंड ही ऑफर्ड मी माई फर्स्ट फिल्म. आई एम हियर एज एन एक्टर बिकॉज ऑफ जेपी साहब एंड जेपी फिल्म्स एंड आई ओ देम एवरीथिंग. So, congratulations, sir. Thank you. Well done. Thank you. Okay. I'll go. अगर आपसे पूछा जाए कि बॉर्डर में सबसे मेमोरेबल सीन आपके लिए क्या था एज अ व्यूअर, तो क्या कहेंगे? Border is an emotion. It's more than just a film. It's a very patriotic emotion about India. And I think the entire film is worthy. I think it's very unfair, and I think JP saab will agree with me. अगर एक ही सीन आपको फिल्म में अच्छी लगी, then the film hasn't worked. It has to be the entire film. जी देखिए, बॉर्डर जैसी फिल्म शायद रीमेक तो नहीं कर पाएंगे. बॉर्डर स्टिल वेरी फ्रेश इन एवरीबडीज माइंड एंड मेमोरी, तो उसे रीमेक करना बहुत ही मुश्किल होगा. जहाँ तक सीक्वल की बात है, आजकल ये दौर चल रहा है कि सब लोग सीक्वल बनाते हैं. इट्स अ ग्रेट मार्केटिंग प्लॉय, इट्स गुड फॉर द फिल्म्स, बट द ओनली पर्सन हु कैन मेक अ सीक्वल टू बॉर्डर विल बी जेपी सर. सो इफ ही सेज नो, देन आई गेस देयर इज नो सीक्वल. That film is not Anurag's film. It's by a new director, which they'll be producing. We're still discussing it. We can't announce anything yet. और मैंने हमेशा ये कहा है कि हमारे जो producers हैं, वो film announce करें तो बेहतर होगा. Sir, film का नाम अगर आपको पता है क्या होगा, या decide हो गया, story क्या होगी? Border नहीं देखी आपने? आपकी film, आपकी और ऐश्वर्या की, इसकी बात कर रहे हो? हाँ, हमने एक film बनाई थी उमराव जान साथ में JP दत्ता के लिए. हाँ. Okay? Right. Enjoy your evening. Thank you for waiting. Ticket chahiye aap logo ko?